मार्वल के तीन ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। नंबर वन, मून नाइट। दोस्तों, इस कैरेक्टर को हमने पहली बार 2022 के मून नाइट सीरीज में देखा था, जहां हमें पता चलता है मार्क एक्सपेक्टर एक ऐसा बंदा है जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या फिर अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आपके लिए डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहना ज्यादा बेहतर होगा। अगर इससे पहले पर्सनालिटी की बात करें तो वो है स्टीवन ग्रांट, जो कि एक इजिप्शियन टॉय शॉप में काम करता है, और अगर दूसरे पर्सनालिटी की बात करें तो वो है जैक लॉकली, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। नंबर टू, हल्क। दोस्तों, आप में से कई लोगों को लगता है कि ब्रूस बैनर ही हल्क है, लेकिन क्या आप जानते हैं ब्रूस बैनर को भी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जब भी ब्रूस बैनर हल्क बनता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। नंबर थ्री, गोस्ट राइडर। जॉनी ब्लेज के पास टोटल दो पर्सनालिटीज हैं, जैसे कि गोस्ट राइडर और एंजल राइडर, जिसे हम गोस्ट राइडर ब्लू के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपको तीनों में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद है कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।